मनीष सिसोदिया थे वो शिक्षा जगत में एक क्रांति ला रहे थे और कोर्ट जो है तो एक तरह से ऊपर भगवान न्याय करता है लेकिन नीचे के जो न्याय करता है वो यही हैं तो, सत्ता पक्ष को ये लगता है कि अगर हम इनको रोकेंगे नहीं इनको आगे बढ़ जाने देंगे तो कहीं ना कहीं उनको भय इस मॉडल को खत्म करने की कोशिश विरोधी पार्टियों के द्वारा भले की जाए लेकिन इस मॉडल को प्रभावित नहीं किया जा सकता है क्योंकि सत्ता पार्टी इतनी ही लोकप्रिय होती तो उसको बसों में बिठा करके और एक कीमत अदा करके और लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी बसें कर रखी थी और लोगों को मजदूरी का लालच दे करके उस बसों में बिठा करके और कार्यक्रम स्थल तक ले गए तो शिक्षा आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें यही काम मनीष सिसोदिया जी कर रहे थे तो ये गंदी राजनीति के तहत साजिश के तहत उनको केवल फंसाया गया है नमस्कार मैं हूं अनुपम अनूप आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज अभी बीते दिनों शराब को लेकर के शराब घोटाले को लेकर के दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है आरोप है कि इन ठेकों में कमीशन हुई है इसके साथ ही साथ कुछ अनियमितताएं हुई हैं क्या कहना है इस विषय पर सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की आम आदमी पार्टी की नेता सरिता पांडे जी का उनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका द खबरदार न्यूज पर और जो अभी बीते दिनों मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी शराब घोटाला जिसे कहा जा रहा है शराब घोटाले को लेकर के शराब ठेकेदारी पे कमीशन को लेकर के गिरफ़्तारी हुई है तो उस गिरफ्तारी के विषय में आप क्या कहेंगे सबसे पहले तो मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों को शादर प्रणाम करती हूँ और इसके बाद आपके प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मनीष सिसोदिया थे वो शिक्षा जगत में एक क्रांति ला रहे थे लाखों बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षा दे रहे थे क्योंकि शिक्षा से ही मतलब हर तरह का विकास होता है लोगों में सामाजिक जागरूकता आती है राजनैतिक जागरूकता आती है राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता आ जाती आ जाती है तो शिक्षा आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें यही काम मनीष सिसोदिया जी कर रहे थे तो ये गांधी गंदी राजनीति के तहत साजिश के तहत उनको केवल फंसाया गया है और बाकी ये है कि अगर निष्पक्ष रूप से जांच कर ली जाए तो निश्चित तौर पर वो बेगुनाह साबित हो जाएंगे नेता अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरह से साजिश कर भी सकता है लेकिन जनता को सब कुछ दिखाई देता है कि सही क्या है और गलत क्या है और कोर्ट जो है तो एक तरह से ऊपर भगवान न्याय करता है लेकिन नीचे के जो न्याय करता है वो यही हैं okay. तो हमें पूरा भरोसा है कि अगर निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी तो वो निष मतलब बेरो बेगुनाह साबित हो जाएंगे और चुनाव एमपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आगामी कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं okay. चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता को इस तरीके से फसाया जाना ये आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से तो क्या मुद्दों से भटकाने के लिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की जा रही है इस समय पर हाँ जनता को मुद्दों से भटकाया जा रहा है उनको मतलब जैसे हमारी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बिजली पानी ये जो हमारी मौलिक मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनके पूरे हो जाने से हमारी सभी बुनियादी ज़रूरतें एक तरह से पूरी हो जाती हैं तो हमारी पार्टी इन्हीं मुद्दों पर काम कर रही है और जैसे अभी लगातार दिल्ली में भी आई पंजाब में भी आई दिल्ली का स्तर भी काफ़ी हद तक सुधर गया पंजाब में भी स्तर सुधर गया है इसी तर्ज पर दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर ही मतलब आगे की ओर वो बढ़ना चाहती है और राष्ट्र सेवा में नहीं होना चाहती है लेकिन सत्ता पक्ष को ये लगता है कि अगर हम इनको रोकेंगे नहीं इनको आगे बढ़ जाने देंगे तो कहीं ना कहीं उनको भय लगा हुआ है इस चीज़ का कि अगर ये पार्टी अच्छा कार्य कर रही है तो ये आगे हो जाएगी और मतलब हम जनता की आंखों में खटक रहे हैं क्योंकि भाई योजनाएं वो देते हैं लेकिन उसको सही तरीके से क्रियान्वित तो कर नहीं पाते हैं तो उनको एक तरह से भय लगा हुआ है इस पार्टी से कि कहीं ऐसा ना हो कि अच्छे तरीके से काम करते हुए पार्टी ये लोगों के दिलों में जगह बना रही है और लोग जो है तो जय जयकार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तो ये भय के कारण ही मतलब ईमानदार नेताओं को भी फंसाया जा रहा है अब जैसे शिक्षा का मॉडल दिल्ली की जब बात करते हैं तो उसकी देश के साथ साथ विदेशों में भी चर्चा होती रही है क्या इन आरोपों के द्वारा इस गिरफ्तारी के द्वारा जो आम आदमी को मिलने वाली शिक्षा थी आम आदमी के बच्चों को मिलने वाली शिक्षा का मॉडल दिल्ली ने पेश किया उस मॉडल को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही इस मॉडल को ख़त्म करने की कोशिश विरोधी पार्टियों के द्वारा भले की जाए लेकिन इस मॉडल को प्रभावित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये आम आदमी पार्टी जो है तो किसी नेता की पार्टी नहीं है इसमें सभी लोग आम आदमी ही हैं और आम आदमी की समस्याओं से रोज़ रूबरू होते हैं उनको किस प्रकार से निदान करना है ये आम आदमी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है क्योंकि रोज़ वो समस्याओं से रूबरू होता है तो मॉडल को प्रभावित नहीं किया जा सकता है हमारे नेता जो हैं तो वो ये चाहते हैं कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले अच्छा स्वास्थ्य मिले रोज़गार मिले बिजली पानी मिले जो भी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों तो कोई भी विरोधी पार्टी इस मॉडल को ख़त्म नहीं कर सकती हम इसको आगे बढ़ाएंगे और अन्य राज्यों में भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि शिक्षा का मॉडल हम उसी प्रकार से दें जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में है अभी बीते दिनों मोहनिया घाटी के पास एक सड़क दुर्घटना हुई सड़क दुर्घटना में अमित शाह की रैली से लौट रहे लोग हादसे ग्रस्त हो गए जिनमें चौदह लोगों की मृत्यु हुई है और आधा सैकड़ा से ज़्यादा लोग घायल हैं अभी भी इस घटना के बारे में और मृत लोगों के परिजनों को लेकर के आप क्या कहें मैं इस घटना के बारे में पहली चीज़ तो ये कहना चाहूँगी कि अगर सत्ता पार्टी इतनी ही लोकप्रिय होती तो उसको बसों में बिठा करके और एक कीमत अदा करके और लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है अच्छा। लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी बसें कर रखी थी और लोगों को मजदूरी का लालच दे करके उस बसों में बिठा करके और कार्यक्रम स्थल तक ले अच्छा गए हाँ तो लालच के लालच दे करके उनको बुलाया गया तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों के दिलों में पार्टी का स्थान नहीं है लोग अपनी छुटपुट जरूरतों से प्रभावित हो करके और ठीक है बसों में जा करके बैठ गए लेकिन ये यात्रा जो है उनकी एक तरह से अंतिम यात्रा शामिल हो गई अंतिम यात्रा साबित हो गई और जो परिवार जो है तो जैसे चार एक परिवार के ही लोग है ना साल का बच्चा आठ साल बच्चा का बच्चा बचा है तो अब ये बताइए उसका भविष्य क्या है जब उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रह गए हैं तो उनके शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए गवर्नमेंट को जो भी लोग आश्रित हैं मृतकों के ऊपर तो उनको रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता है लेकिन जो रह गए हैं उनके आश्रित वो कम से कम आ, अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकें अच्छे से उनका खान पान रहन सहन हो सके अच्छे से वो स्वास्थ्य लाभ ले सकें तो इसके लिए गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए तो ये थी सरिता पांडे जी जो सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के नेता हैं और लगातार क्षेत्र में सक्रियता के साथ बनी हुई हैं बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ नमस्कार धन्यवाद